सिस्टम की मार झेल रहा एक दिव्यांग आज दर दर जाकर भीख मांगने को मजबूर है। सिस्टम के मजाक से आज वे लोगों के बीच मजाक बन गए हैं। कम लंबाई और पैरों से विकलांग रूपेश को सोनहत के शासकीय कार्यालय में कलेक्टर दर पर भत्ते की नौकरी मिली थी। 3 महीने पैसा नहीं मिला, जिससे आर्थिक स्थिति डगमगा गई। खाने के लाले पड़ गए। उच्च अधिकारियों से बार बार विनती भी किसी काम नहीं आई, तो रुपेश को साप्ताहिक बाजार में भीख मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। पत्नी के साथ सलका में रह रहे रुपेश का भीख के पैसों के अलावा कोई सहारा नहीं है। इससे सरकार की दिव्यांगों के उत्थान की कोशिशें नाकाफी नजर आ रही हैं। कार्यालय मेरे को कलेक्टर जब से लगाए गए थे तो मैं 3 महीना वहाँ ज्वाइन किया, तो मेरे पैसा के लिए कोई मतलब कोई सुनाई नहीं हुआ। वो कलेक्टर चले गए तो फिर नया कलेक्टर आया, उनके पास भी 3-4 आवेदन में दिया, तो वो भी कुछ नहीं हुआ।